नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय कोन्नी फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में और यहां पर हम लोग अडवी नाम की एक जगह पर जा रहे हैं जहां पर बोटिंग और बास्केट बोट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये एक फॉरेस्ट कंजर्व्ड एरिया है और मैं इस समय हाईवे के बगल में खड़ा हुआ हूं। आप लोग होपफुली जो आवाज़ें यहां पर आ रही हैं ये सुन पा रहे हो। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से थोड़ा सा यहां का लुक दिखाता हूं, फिर हम लोग अडवी की बोट राइड्स और इन सब चीज़ों पे चलते हैं। देखिए रोड जा रही है और ये सब पूरे अंदर तक डेंस फॉरेस्ट हैं। और यहाँ की आवाज़ झींगुरों की और इस सब की आप लोगों को आई रही होगी। कहीं ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर ही रोड से साइड में चलाते हुए। और ये आप लोग देख सकते होंगे कैसा रास्ता है। एंड मैं यहाँ ये देखिए वाओ, ये इस जगह पर ये देखिए यहाँ लेके आए हैं। एंड ये जस्ट रोड के बगल में है। बैक कैमरे से अब आप लोग देखिए यहाँ का व्यू। बहुत ठंडा पानी है और बहुत ही देखिए कितनी साफ है पानी। आपको अंदर का सब कुछ दिख रहा होगा, इतना साफ क्लियर वाटर है। और ये स्ट्रीम इधर कहीं से आ रही है। हम लोग इस पे खड़े होने की कोशिश करेंगे ऐसे ही स्ट्रीम पे चलते हुए। यहाँ पर जब भी फॉरेस्ट एरियाज में स्ट्रीम पे चलना होता है तो आप लोग आइए तो ध्यान रखिए कि लीचेस बहुत चिपक जाती है, जिनका पता नहीं लगता है तो वॉच फॉर लीचेस, क्योंकि फिर खून निकलता है तभी समझ में आती है लीचे। देखिए कितनी मछलियाँ हैं इस पानी में, अगर आप लोगों को इसमें दिख रहा हो वीडियो में मैं कोशिश करूंगा शूट करने की। ये देखिए कितनी मछलियां हैं, ये देखिए मछलियां, ये देखिए ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां तैर रही हैं इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये है मैजिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का। इंडिया के अलग अलग आवाजें, मछली, सांप, हाथी, शेर, टाइगर, सब कुछ है यहाँ। स्क्वाड जितिन, बिंटो, बेन, हम लोग आए हैं साथ में यहाँ कोनी फॉरेस्ट रेंज में। क्या नाम बताया था? अडवी। अडवी, अडवी में हम लोग क्या करने वाले हैं बेन? दिस इज एन इकोटूरिज्म स्पॉट। ओके, बोट राइड, लाइक इट्स बीन कैरीड इन अ लाइक वी से इट कोट्टावंजी। यू विल सी देयर, सी इट देयर, इट्स फन। ओके, तो चलते हैं बेन और बिंटो और जितिन की मदद से। मैं आप लोगों को हिंदी में होपफुली यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो चीजें हैं वो दिखा पाऊंगा। और अभी तक जितने भी वीडियोज बन रहे हैं थैंक्स टू बेन, जिसकी वजह से ये सारे वीडियोस पॉसिबल हुए हैं। ऑल ऑफ यू गाइस आर वेलकम हियर, कम एक्सप्लोर, सी आवर कल्चर एंड सी आवर ऑल ऑफ आवर व्हाट वी से ऑल ऑफ आवर रिचनेस इन वाइल्ड लाइफ एंड ऑल दीस थिंग्स। यस, एंड कीप द सिटी, कीप केरला क्लीन। आप लोग कहीं पर भी गंदगी मत फैलाएं, लिटरिंग मत करें और चीज़ों को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये कितनी ज़्यादा नेचुरल जगह है। आप लोगों ने मेरे सामने, आप लोगों ने देखा कि मैंने इस पानी को उठा करके ऐसे अपने सर तक पे लगा लिया है। सो ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ की ये जो जगहें हैं इनको कंजर्व करके रखा गया है। यहाँ के लोग रिस्पेक्ट करते हैं नेचर की, और जब हम लोग बाहर से आते हैं चीज़ें करते हैं तो वो चीज़ों को पल्यूट करता है, हार्म करता है, डायरेक्टली ह्यूमंस को नहीं लेकिन वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा डायरेक्टली हार्म करता है।
सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग आइए तो इस जगह को उतना ही साफ रखिए जितना आप अपने घर को, आप अपने बेड को, आप अपने बेडरूम को रखते हैं। यही वो रिवर है जिसमें मैं अभी नहा रहा था और अभी आगे भी जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पर भाई लोग लेके जा रहे हैं। एंड इस रिवर का नाम है अच्चन कोविल रिवर। ये मैं इसके ब्रिज पे खड़ा हूँ फॉरेस्ट रिजर्व में बीच में ही। लोग देख सकते होंगे कितने डेंस फॉरेस्ट है ये। और अच्चन मलयालम में कहते हैं फादर को और कोविल कहते हैं रिवर को, सॉरी घर को। तो अच्चन कोविल यानी फादर का जो घर है वो ये रिवर है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल रिवर है। तो दोस्तों हम लोग अडवी आ चुके हैं और बोल बोट देखने जा रहे हैं जो कि बास्केट के शेप में होती है। ये यहाँ पर पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम लोगों ने भी अपनी पार्क कर दी है। और अभी आगे आप लोगों को आगे का रास्ता दिखाते हैं कि यहाँ से कैसे क्या है। ये देखिए यहाँ पर ये बोट्स हैं जिसमें देखिए लोग बैठ के उस तरफ जा रहे हैं और पूरा घूम रहे हैं। ये है बोट, इसमें ऐसा कंफर्टेबल करने के लिए इधर जूते चप्पल रख दिए हैं और इसमें कुशन्स भी डाल रखे हैं। और जब इधर देखेंगे हम लोग तो इधर भी लोग कुछ कर रहे हैं। चलिए हम लोग पहले इधर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए इन लोगों ने कुछ बांध जैसा बनाया है डैम टाइप का और इस पे लोग चल रहे हैं। तो हम लोग भी चलते हैं देखते हैं कि ये कैसे क्या करते हैं। सो ये लोग देखिए चल के उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर उधर कहीं जा रहे हैं। ये पूरी अच्चन कोविल रिवर है और ये देखिए ऐसे बना रखा है। सो इस पे चला जाए, देखते हैं हम लोग भी चलते हैं। ठंडा पानी हमेशा की तरह मगर फ्रेश। वाह, ये देखिए इधर थोड़ा गहरा हो गया है। ये देखिए कितना गहरा है, अब मेरा पैर जाएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा और ऊपर कर लेता है इसको जितना ऊपर चढ़ा पाए और रेडी टू डाइव इन। ये मैं भी आ गया हूँ। ये देखिए अच्चन कोविल रिवर के ऊपर अडवी इको टूरिज्म, यहाँ से सब लोग बोटिंग करते हुए। फ्लो आप लोगों को दिख रहा होगा कितना तेज है। यहाँ से आप लोगों को पानी की क्लैरिटी भी दिख रही होगी। ये देखिए कितना क्लियर पानी है। हाँ, पर आते आते हम लोगों को थोड़ा देर हो गई है और ये सब लोग जो है इसको अब हटा रहे हैं ये पूरा सेटअप। और ये आप लोग बोट्स देख सकते होंगे बगल में, ये सारी बोट्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस बार हम लोग इस पे नहीं बैठ पाएंगे। और ये देखिए सब पूरा हटाते हुए सबको। सो दोस्तों फाइनली मैं बैठ गया हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करी, सर से रिक्वेस्ट करी, सर को आप दिखा सकते हैं कि जो है मुझे थोड़ी देर के लिए इसमें बैठने दो, एटलीस्ट मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। ऑल्दो ये सेटअप पूरा हट रहा था बट इन्होंने मुझे अलाउ करा एंड थैंक यू सर। ये बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, बुरा लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं इस चक्कर में। ऐसी बोट पे
मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, पूरा वहां तक मुझे राइड करनी थी। बट आप लोग आइए तो जरूर करिएगा। 400 रुपीज इसका पर हेड चार्जेस है, कोई इतने ज्यादा चार्जेस भी नहीं है, और आप लोग पूरा इंजॉय कर सकते हैं रिवर में इस चीज को। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग ये देखिए, मेरे बगल में अच्चन कोविल रिवर बह रही है और यहाँ तक हम लोग आए हैं, आप लोगों को बोट दिखाई। और आप लोग स्टे ट्यून्ड आप लोग, बिकॉज अभी नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा, ये जो रिवर है ये एक फॉरेस्ट फेड रिवर है, मतलब ये रिवर जंगलों से ही निकलती है, जंगलों से स्ट्रीम्स हैं जो निकलती हैं। तो कल हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करेंगे कि इस नदी के, अच्चन कोविल रिवर के ओरिजिन तक जाएं, और हम लोग वहां पर मंदिर हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, डाइवर्स चीज़ें हैं जो हो रही हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊं और आप लोगों के सामने लेके आऊं। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।